उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर यूसीसी बिल पास किया गया है इसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और ऐसा नहीं करने वाले कपल को छह महीने की सजा भी हो सकती है और दूसरा बेनिफिट ये है कि पति पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना भी गैर कानूनी माना जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या आम तौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं पहला तो क्रिमिनल और दूसरा होता है सिविल क्रिमिनल लॉ में चोरी लूट मारपीट हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है इसमें सभी धर्मों और समुदाय के लोगों के लिए एक तरह का, का कानून होता है कोर्ट का प्रोसेस भी एक ही जैसा होता है और सिविल लॉ में मैरिज और प्रॉपर्टी से जुड़े मामले आते हैं इंडिया में अलग अलग धर्मों में शादी के लिए और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के लिए अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं इसी वजह से उनके अपने पर्सनल लॉ बनाए गए हैं फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम में मैरिज और प्रॉपर्टी का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है और हिंदुओं की मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए से होती है इसी तरह से ईसाई और सिखों के लिए अलग पर्सनल लॉ है लेकिन अब होगा ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ खत्म कर दिए जाएंगे और सभी के लिए एक जैसे कानून बन जाएंगे यानी कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए कोई भी निजी कानून नहीं होगा सब पर एक ही कानून लागू होगा चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो पीएम मोदी ने भी यूसीसी के फायदों का जिक्र कई बार किया है लेकिन पूरे भारत में कब ये लागू होगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता आइए जानते हैं की यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से क्या बदल जाएगा बेटा हो या फिर बेटी दोनों को प्रॉपर्टी में एक जैसा अधिकार मिल जाएगा और इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कैटेगरी के हैं। मौत के बाद प्रॉपर्टी किसी की डेथ हो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को पत्नी और उसके बच्चों में समान रूप से बांट देता है इसके अलावा उस व्यक्ति के माँ बाप को भी उसकी प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिलता है लेकिन पिछले कानून में ये अधिकार केवल माँ को दिया जाता था डाइवोर्स लेने के लिए भी अब नियम चेंज हो जाएंगे पति और पत्नी को अगर डाइवोर्स लेना है तो उन्हें तभी मिलेगा जब उनके ग्राउंड्स और रीजन एक जैसे होंगे केवल एक पार्टी का कारण देने पर ही तलाक नहीं दिया जाएगा सबसे बड़ी बात लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा उत्तराखंड में रहने वाले कपल अब लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे ही नहीं रह पाएंगे उन्हें उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा ये बिल्कुल सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा लेकिन इस नियम में अनुसूचित जाति के लोगो को छूट दी गयी है बच्चों से रिलेटेड कानून अगर इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी इन में रहने वाले कपल की ही होगी दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा और ऐसे बच्चों को राज्य में पहचान भी दी जाएगी लेकिन उत्तराखंड में जनजातियों पर ये कानून नहीं लागू होगा क्योंकि स्टेट में पांच तरह की जनजातियां रहती है जिसमें थारू पोक्सा राजी भोटिया और जौन सारी समुदाय शामिल हैं। इन सभी कैटेगरी के लोगों को इस कानून से फ्री रखा गया है तो बेसिकली यूसीसी का मेन मकसद है पूरे देश में एक जैसा कानूनी स्ट्रक्चर बनाना जो कि सभी नागरिकों पर एक जैसा ही लागू हो और उनको कानूनी बेनिफिट आसानी से दिए जा सके हो फ्रेंड की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा